कृपया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तराखंड पुलिस के 3 दिवसीय पुलिस मीट की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। बतौर मुख्य अतिथि पुष्कर सिंह धामी यहां पर पुलिस मुख्यालय में पहुंचे और इस दौरान ही डीजीपी अशोक कुमार और अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी समेत उत्तराखंड के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और पुलिस मीट की शुरुआत में चुनौतियों और समाधान विषय पर पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने रखी और इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड पुलिस बेहतर कार्य कर रही है और प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था देश के कई राज्यों से बेहतर है। मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पुलिस पारदर्शी व्यवस्था के तौर पर काम करें और किसी भी घटना के लिए पुलिस का रिस्पांस टाइम कम से कम हो और पुलिस के आधुनिकीकरण के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस पर भी कार्य कर रही है और जल्द ही पुलिस कर्मियों की भर्ती भी की जाएगी और जिससे पुलिस कर्मियों की कमी को भी पूरा किया जाएगा। मनुष्य पर मंथन भी आपने किया सर, क्या कुछ लिखा? पुलिस विभाग की ये बहुत अच्छी पहल है कि अगले 3 दिनों तक लगातार बहुत सारे जो विषय हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका कैसे समाधान होगा, कैसे उनका सरलीकरण होगा, कैसे उनका निस्तारण होगा, और इस पर सभी लोग अपने अपने यहाँ पर जहाँ ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, अन्य माध्यम से सारी बातें रखेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जिससे कि परस्पर अच्छी बॉन्डिंग भी होगी और जहाँ परस्पर जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो अच्छे बनेंगे, जो निश्चित रूप से आगे आकर जो हमारे काम हैं पुलिस विभाग के वो सरल होंगे। और आज हम लोगों ने यह भी, चूँकि पुलिस विभाग अच्छा चले, अच्छा सुदृढ़ हो, उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जो संसाधन है उनकी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और जो जब तक अस्थाई व्यवस्था पूरी तरह से स्थायी नहीं हो जाती, 1500 जो 21 हमारे जवान हैं PRD के, वो काम करते रहेंगे। नाम से ही स्पष्ट है ये उत्तराखंड पुलिस का मंथन है जो 3 दिन तक चलेगा और जिसमें चुनौतियां हम समाधान, जो भी हमारी चुनौतियां हैं और उनके क्या समाधान हैं, क्या रास्ते हैं, क्या भविष्य का रोड मैप है, भविष्य की योजना क्या, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले वर्षों से इसमें 2-3 नई पॉइंट भी जोड़े हैं। जैसे पहली बार हम जनता के साथ ही मंथन कर रहे हैं, जनता की पुलिस से क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं कि पुलिस में क्या चेंजेज आने चाहिए, तो आज आफ्टरनून में पुलिस लाइन में वो करना। दूसरा, हम इसमें एक वर्टिकल सेशन भी कर रहे हैं, यानी हमारे कांस्टेबल से लेकर के DGP तक उसमें शामिल होंगे और वो भी पुलिस लाइन में, क्योंकि बड़ी संख्या में कांस्टेबल्स को, सब इंस्पेक्टर्स को, इंस्पेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे तो उनके भी आइडिया जा सके, खाली SP एंड अबो का मंथन न रह जाए, उनको भी हमने इन्वॉल्व किया है। और इसी तरह से पुलिस में फिटनेस बढ़ाने पे और इस तरह की 2-3 चीज़ें और हमने नई चीज़ें जोड़ी हैं, उन पे भी इस बार चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेशों में बढ़ रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए लोगों से फिर से एहतियात बरतने की अपील कर दी है। उन्होंने लोगों से भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में मास्क पहनने और अपने हाथ धोने, सैनिटाइज करने की आदत को फिर से रूटीन में लाने के लिए कह दिया है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश में श्री भरत मंदिर पहुंचे और यहाँ उन्होंने ब्रह्मलीन महंत अशोक पट्टाचार्य की पुण्यतिथि में ही आयोजित विमद भागवत कथा का श्रवण किया और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने व्यासपीठ पर बैठे कथावाचक डॉक्टर रामकमल दास देवेदांती को ही कथा सुनाते हुए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री भरत मंदिर में ही आने का प्रोग्राम देहरादून से असमंजस में था, मगर भगवान ने उनको अपने श्री चरणों में ही बुलाकर आज इस भगवत कथा का जो श्रवण कराया है, इसके लिए वो भगवान के शुक्र अदा करते हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री भरत भगवान के ही मंदिर में इसको लेकर भगवान के आगे माथा टेका और राज्य के उज्जवल भविष्य की भी प्रार्थना करी है। मौके पर श्री भरत मंदिर के महंत ने भी महाराज ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है। सब ड्यूटी गाइडलाइंस है, हम उस पर काम कर रहे हैं, सभी लोग जागरूक रहेंगे, सतर्कता बरतेंगे और जो जरूरी सावधानियां है उन सभी को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो तैयारी है वो भी कर रहे हैं। जल्दी हमारा जो तय समय सीमा है उस समय सीमा काम है।
और इसी खबर पर हमारे साथ ऋषिकेश से हमारे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, मुख्यमंत्री सीएम वहां पर पहुंचे हुए थे और इसके साथ ही कोरोना वायरस को लेकर सीएम धामी ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। हाँ जी, यहाँ एक निजी कार्यक्रम में आए थे, के बाद जब यहाँ आए तो वो प्रधानमंत्री ने भागवत कथा, संजय मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रही है, उनसे भी उन्होंने अपना प्रतिभाग किया और वहाँ आकर उन्होंने भगवान का शुक्र अदा किया। साथ ही उन्होंने जो महंत अशोक परमाचार्य जी उनकी स्मृति में जो ये मधुभागवत किया जा रही थी उनका आभार व्यक्त किया और मंदिर में माथा टेक कर उन्होंने अपने आप को कृतज्ञ माना। और साथ ही उसके बाद वो एक स्कूल में निजी कार्यक्रम में गए जहां उन्होंने काफी देर तक अपना संबोधन दिया और लोगों को कहा। साथ ही जो कोरोना वायरस अभी नया वेरिएंट चला है उसके लिए भी उन्होंने लोगों को कहा है कि आप इससे थोड़ा बच के रहे और इसके लिए जो भी प्रिकॉशंस है जो भी उसकी सतर्कता है बरतें और साथ ही उससे बचकर रहे। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको ऋषिकेश से खबर बता रहे हैं जहां पर सीएम धामी ने अब लोगों को कोरोना वायरस को लेकर अब अलर्ट भी कर दिया है। बीजेपी नेता ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों से हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी करते हुए हमले में घायल हुए लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। बीजेपी नेता का आरोप है कि वो अपने साथियों के साथ 4 गाड़ियों से देहरादून के लिए निकले थे और तभी दिल्ली हाईवे पर दर्जनों भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उनके वाहनों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वाहनों में सवार करीब 4 से 5 लोगों को चोटें आई हैं और किसी तरह वो जान बचाकर आगे निकले। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और जानकारी के अनुसार बीजेपी नेता रामकुमार चौधरी ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर गाड़ी लाठी और इसके साथ ही डंडों से पिटाई जो है उसका मामला सामने आया था और गाड़ियों के शीशे तोड़ने और मारपीट का उन्होंने आरोप भी लगाया। पुलिस से कार्रवाई की उन्होंने मांग कर दी है और वहीं बीजेपी नेता अन्य साथियों के साथ रुड़की कोतवाली पहुंचे जहां आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जानकारी में जुट गई है। हमारे पास 4 गाड़ी थी और हम देहरादून के लिए हम निकले घर से, तो जहाँ पे पुराना आरटीओ ऑफिस है वहाँ पर 30-40 लोग हॉकी कट्टे ले रहे थे और ईंट पत्थर सब चीज हाथ में थी। हमने वो गली है बारीक, उसमें एक मोटरसाइकिल ने पहले मोटरसाइकिल डाल दी जिससे गाड़ी रुक सके और गाड़ी रोक के उन्होंने उस पर पत्थर और हॉकी से हमला कर दिया और उस गाड़ी में मैं भी बैठा था, तो मुझे भी एकदम से पता नहीं अभी क्या हो गया, ये बवाल हो गया। तो उसे मैं गाड़ी आगे निकाली और उन्होंने सारी गाड़ियों पे सप्पे बजाया, सारी गाड़ियों पे चोट आई। पहले से कोई रंजिश थी किस तरह की? रंजिश क्या, उन्होंने एक हफ्ता पहले भी हमारे घर पे उन्होंने हमला किया और उसकी भी रिपोर्ट थाने कोतवाली सिविल लाइन में दर्ज है, लेकिन पुलिस ने मुझे नहीं लग रहा उस पर कोई कार्रवाई की। लाइन से निकले जी, वहाँ पर 20-30 लोग पहले से खड़े थे और जैसे रोड पर लड़े उन्होंने हमने लाठी डंडों से हमला कर दिया, इंटे भी बरसाई। वहाँ से हम जान बचाने के लिए मंगलोर साइड भागे और मंगलोर साइड आकर यहाँ होटल के पास हमने फ़ोन किया, तो जैसे ही मंगलोर थाने से पीछे वाले आते हैं वे बोलते हैं हमारा क्षेत्र ही नहीं है। सर मुझे बताइए, अगर हम डर की वजह से दूसरे घर में शरण लेते हैं तो क्या उस दूसरे घर वाले की जिम्मेदारी नहीं बनती हमें हिफाजत करना? ऊपर से उन्होंने हमें पल्ला झाड़ दिया और ऊपर से हमें धमकाना शुरू कर दिया। अब तो सिविल लाइन पुलिस पहुंची है यहाँ पर? सर अब पहुंची है, पहले पीसीआर की मंगलोर थाने से। के सामने अभी एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना की जानकारी मिली है, इस संबंध में मौके पर पुलिस बल भेजा गया है और अतिरिक्त जानकारी और सीसीटीवी फुटेज आदि जुटाने के लिए और उसका अवलोकन करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में जानकारी मिली है कि इनके अपने बयानों और कारनामों से हमेशा मीडिया में छाए रहने वाले पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चौपियान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और अभी तक अपने राजनीतिक
हमलावर रहने वाले पूर्व विधायक चैंपियन ने ही पुलिस पर अभद्रता का आरोप भी लगा दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि देहरादून में मित्र पुलिस शराब के नशे में धुत होकर देहरादून में नागरिकों से बदसलूकी करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस के इस व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर क्षेत्रवाद हावी है और मैं सहारनपुर से चुनाव लड़ूंगा। चैंपियन का कहना है कि विगत रात्रि 11 बजे दिलाराम चौराहे पर थाना डालनवाला के ही प्रभारी निरीक्षक ने ट्रैफिक चेक पोस्ट पर उनके बेटे की गाड़ी रोककर वहां पर बदतमीजी की और रात हुई घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। बता दें उन्होंने कहना है कि बेटे के अपने साथ हुई इस घटना को लेकर वो मौके पर बुला लिया और जिसके बाद कोतवाली पहुंचे शराब के नशे में धुत डालनवाला निरीक्षक ने उनसे बात तक नहीं की और कुंवर प्रणव चैंपियन ने इसकी शिकायत SSP से की और पूरे मामले की जाँच की मांग भी की जा रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आधा जीवन बच्चों को पढ़ाने में गुजारने वाले शिक्षक सेवानिवृत्ति के बाद जो है सम्मानजनक पेंशन के अधिकार से वंचित हैं और हर महीने वेतन पाने वाले शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद नई योजना में कुल वेतन की मात्र 2-4% पेंशन मिल रही है, जबकि अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है और पुरानी पेंशन को बहाल किए जाने के मांग को लेकर सेवानिवृत्त शिक्षकों ने प्रदर्शन शिक्षा धन सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा है और इसके साथ ही उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि सेवानिवृत्त शिक्षकों ने बताया है कि प्रदेश सरकार के पेंशन बंद करने के बाद बुढ़ापे में अपना जीवन व्यापन करना मुश्किल हो गया है। सेवानिवृत्त होने के ही बाद पेंशन उनके जीवन का सहारा लेता है होता है और इसको लेकर ही सरकार पेंशन के नाम पर चंद पैसे की सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके गुजारने के लिए भेज रही है और इसी स्थिति में जीवन व्यापन करना मुश्किल हो गया है। जबकि कई राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, उन्होंने सरकार से मांग की है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सेवानिवृत्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हमने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी को मैडम आ जाइए एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें पुरानी पेंशन बहाली का हमने मुद्दा उठाया है। सभी कर्मचारी, सभी उत्तराखंड और राष्ट्र में, भारत में जितने भी कर्मचारी हैं उन सब की पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए, जो कि 2004 के बाद सरकार ने बंद कर दी और उत्तराखंड में 2005 के बाद बंद कर दी गई है। और पेंशन का जो मुद्दा मंत्री जी को समझाया गया है कि ये हमारी बुढ़ापे की एक लाठी है जिसके बगैर हमारा जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करता हूँ। हमारी मांग केवल एक ही है, पुरानी पेंशन बहाली। 1 अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड सरकार ने इसे बंद कर दिया गया है, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2004 को न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया गया था। न्यू पेंशन स्कीम माने नो पेंशन स्कीम। चाहे हमारा देश का सरकारी कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, चाहे हमारा देश का अर्धसैनिक बल हो, ये न्यू पेंशन स्कीम एक धोखा है। मात्र 1200 या 1500 की हमें पेंशन मिल रही है और अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, झारखंड ने उत्तरकाशी के हर्षल घाटी में अपने हक हकूक बचाने को लेकर हर्षल घाटी के ग्रामीण के बीच और आर्मी जिला स्तर पर हर्षल घाटी में आर्मी को सैन्य अभ्यास के लिए करीब 477 एकड़ वन भूमि देने की तैयारी चल रही थी और इससे ग्रामीणों को आशंका जता रहे थे कि उनके हक हकूक प्रभावित हो जाएंगे और ग्रामीण अपनी भूमि पर मकान तक नहीं बना पाएंगे। और इन्हीं आकांक्षाओं को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व विभाग और वन विभाग जल्द ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर वार्ता करेंगे। जो भी शिकायत और समस्या होगी वो सुनी जाएगी। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में धराली, हर्षिल और मुखवा, बगोरी और इसके साथ ही छाला, सुखी, जसपुर, पुराली गांव में वन विभाग की भूमि है जो सेना को स्थानांतरित किया जा रहा है और इसके लिए वन विभाग इन दोनों पेड़ों की गिनती कर रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कहा कि युद्ध अभ्यास के लिए सेना को भूमि देने का विरोध ग्रामीण नहीं कर रहे हैं, परंतु इससे ग्रामीणों को हगू के
संबंध में ही आज हरसिल में बड़ी बैठक की गई है और इस बैठक में सभी ग्रामीण प्रधान और प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ग्रामवासियों ने भारतीय सेना का स्वागत किया और उनके हक हकूक पर आर्मी ने भी यथावत रखने का भी निर्णय लिया है, जिससे कि सभी ग्रामवासियों ने भारतीय सेना के साथ मिलकर कार्य करने की पहल की है। जो हमारे जो 8 गांव के जो सीमांत गांव हैं, हमारे मुखवा धराली से लेके और सुखी तक, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान क्षेत्र पंचायत और मैं जिला पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ, और हमने अपने 8 गांव की समस्या को जो है सेना के साथ जो है साझा किया है और प्रशासन की भी उसमें जो एक्शन साथी थे और तमाम विभाग के जो है सब अधिकारीगण मौजूद थे, और हमारी यही वार्तालाप हुई है कि आर्मी एक सीमांत की रक्षा करने वाले हमारे प्रहरी हैं, देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और आर्मी का मोस्ट वेलकम, हम पहले भी कह चुके और अभी भी आर्मी को जो है स्वागत करते हैं। आज तय हुआ था कि आज हम हरसिल में यहाँ के CEO हैं उनके साथ बैठ कर, रेजिम साहब के साथ बैठ के यहाँ के बारे में चर्चा करें। निश्चित तौर पर सरकार ने जमीन तो दे दी है फौज ने, फौज को, और हम चाहते हैं कि फौज यहाँ आए और हमारा विकास भी हो साथ में, लेकिन हमारे जो हकूक हैं, हमारे जो जल जंगल है, जमीन है, हमारे जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध नहीं होने चाहिए, इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई और SDM साहब ने और CEO ने ये सब बातें रखी और कहा कि हम इन चीज़ों को आपस में बैठ के तय करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ मीडिया का, और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। आज जो है आज हमारी 8 गांव की बैठक थी सेना के साथ, SDM साहब के साथ और वन विभाग के साथ। बैठक इस बारे में थी जो वन विभाग ने जो जमीन है सेना को दी है उसके बारे में चर्चा हुई थी, और हमने अपने हक हकू के बारे में सेना के अधिकारी से बात की और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दी है। खबर पर हमारे साथ उत्तरकाशी से संवाददाता सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, हार्षिक घाटी में आर्मी के लिए सैन्य प्रयास के लिए भूमि का ये जो मामला सामने आया, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हरसिल घाटी वैसे आर्मी वहां पर पहले से ही तैनात है, कई वर्षों से तैनात है, तो जैसे ही हरसिल घाटी में आर्मी द्वारा यहां पर वन विभाग द्वारा कुछ जगह को चयनित किया था, तो यहां पर जो स्थानीय लोग है, यहाँ के मुखवा की बात की जाए या धराली की बात की जाए, हरसिल की बात की जाए या सुखी की बात की जाए, तो यहाँ पर तमाम ऐसे गाँव है जो आर्मी के साथ जुड़कर कार्य करते हैं और एक प्रहरी की तरफ से यहाँ पर गांव के वासी जो है वो आर्मी के साथ मिलकर काम करते हैं। तो जैसे ही उनके हक हकूक की बात थी, जैसे ही आर्मी द्वारा यहाँ पर कुछ जगह को चयनित किया था, तो गांव वासियों का एक तौर पर साफ तौर पर ये कहना था कि जो हमारे पुराने पगडंडी जो रास्ते हैं, जो हमारे पगडंडी देवी देवता के रास्ते हैं, आर्मी अगर यहाँ पर आती है तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। आर्मी से हमें काफी विकास होगा, आर्मी से हमारी काफी अच्छे अच्छे मांगे उनसे आर्मी से उन्होंने रखी है, जैसे सेंट्रल स्कूल की बात भी की जाए तो सेंट्रल स्कूल की उन्होंने बात रखी और तमाम तरह के उन्होंने अपने बॉर्डर क्षेत्र के लिए रखे हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर ग्रामीणों का ये था कि जैसे हमारे देवी देवताओं के मंदिर है वो रास्ते बंद ना हो, आर्मी के साथ वार्ता हुई थी, बैठक हुई थी, जिला स्तर पर भी बैठक हुई थी, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आर्मी के लिए हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, आर्मी से हम जुड़े हुए हैं, आर्मी से हमारे बुजुर्ग या पूर्वज लगाव करके कार्य कर रहे हैं और प्रहरी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आर्मी से ये वार्ता हुई, आर्मी से शर्तें भी रखी गई है कि कल के दिन अगर आर्मी यहाँ पर ब्रिगेडर आती है या बड़ी सेना यहाँ पर आती है तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर कुछ रास्तों को आप बंद कर दे या प्रतिबंधित कर दे, जो आर्मी के जो रूल होते हैं वो आप स्थानीय लोग पे ना जताए कि यहाँ से नहीं जाना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका भी कहना साफ तौर पर था कि हमें वो दर्द महसूस होगा जो हमारे रास्तों को आर्मी बंद कर देगी और कल के दिन हमें नहीं जाने देगी। तो यहाँ पर उनके साफ तौर पर यही बैठक थी। तो यहाँ पर आर्मी ने साफ तौर पर कहा कि आपके हकों को रखा जाएगा और आर्मी से यहाँ पर काफी विकास भी होंगे। जी सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे थे जहाँ पर ग्रामवासियों का सैन्य के प्रति एक पहल देखने को मिल रही है। हार्षिक घाटी में आर्मी को लेकर जो भूमि था उसका समाधान देखने को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ग्रामवासियों ने मिलकर ये कार्य किया है, हार्षिक घाटी में आर्मी को सैन्य अभ्यास के लिए अब जगह दी गई है।
उत्तराखंड नंदा गोरा देवी कन्या धन योजना का उद्देश्य लड़कियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, और इसके बावजूद योजना के आवेदन की शर्तों को जटिल बना देने के गुस्साए आवेदन बालिकाओं ने पूर्व शिक्षा मंत्री वर्तमान विधायक अरविंद पांडे को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द नंदा गोरा कन्या धन योजना के फॉर्म को भरने आ रही कठिनाइयों को अविलंब दूर करने की मांग की है। आपको बता दें कि इस दौरान आवेदन बालिकाओं ने कहा है कि बालिकाओं ने साफ तौर पर कहा कि उनकी सबसे पहली समस्या 2011 की जनगणना में उनके और उनके माता पिता का नाम नहीं है और इससे वो आवेदन नहीं कर पा रही है, और एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के पास भेज रहा है, और दूसरे उच्च शिक्षा दाखिल के पत्र के गरीब निर्धन बालिकाएं नहीं दे पा रही हैं। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने का अधिकार हर किसी को है और कोई भी निर्धन या गरीब इस योजना से वंचित ना रहे, और इसके लिए मैंने अधिकारियों और मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द ही समस्या का निस्तारण करूंगा। पौड़ी जिले की पुलिस ने 25 किलो अवैध गांजे के साथ 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 अभियुक्तों को घुमाकोट पुलिस ने 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि थलीसैंड पुलिस ने 17 किलो गांजे के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला तक शामिल बताई जा रही है, और सभी 6 अभियुक्तों के विरुद्ध NDPS एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल पौड़ी जिले की पुलिस इन दिनों अवैध नशे का कारोबार कर रहे अभियुक्तों की धरपकड़ में जुटी हुई है, और ऐसे में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 6 अभियुक्तों से 25 किलो गांजा बरामद किया और सभी 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। और आपको बता दें कि एडिशनल SP शेखर सुयाल ने भी बताया है कि देवभूमि को ड्रग की बनाने के लिए लगातार ही पुलिस अभियान चला रही है, और ऐसे में उन तमाम गिरोह में नजर रखी जा रही है जो अवैध नशे का कारोबार कर रहे हैं। नशे को लेकर के केवल जिला या थाना ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल में एक विशेष पहल चल रही है कि पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाए, क्योंकि एज ए इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पिछले 1.5-2 महीनों में आप देखेंगे कि हर थाना लेवल पे उसमें आगे बढ़ के काम हुआ है। पहले हम थोड़ा क्वांटिटी को ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को हम की तह तक जा करके उनके खिलाफ़ लीगल कार्रवाई करें। चौबीस घंटे के अंदर श्रीनगर पुलिस ने चौरास पुल के पास से चोरों को गिरफ्तार किया है। रात गश्त का असर अब देखने को मिला है। दरअसल गढ़वाल नगर पालिका श्रीनगर के कर्मचारी द्वारा कोतवाली श्रीनगर में नगर पालिका परिषद की सफाई के दौरान कूड़ा उठाने वाली रेड़ी को चराए जाने को लेकर ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसको चुराया गया था, ये भी जानकारी सामने आई थी, और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर रेड़ी समेत चोरों को गिरफ्तार किया है। घटना के 24 घंटे के भीतर थाना पुलिस द्वारा खुलासा करने पर पुलिस टीम को SSP पौड़ी के द्वारा 2,500 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। दरअसल पूरा मामला श्री कोट सुलभ शौचालय के पास का बताया जा रहा है। यहां से कुछ चोरों ने सफाई की रेड़ी पर हाथ साफ कर दिया था, जिसके बाद चोरी करने के संबंध में कोतवाली पर तहरीर दी गई थी और जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे की विवेचना SI अजय कुमार को दी गई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देर रात गश्त के दौरान शनि मंदिर चौरास पुल के जाने वाले रास्ते के पास से चोरी की रेड़ी के साथ 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। CO आपको बता दें कि इसको लेकर ही CO श्रीनगर श्याम दत्त नोटियाल ने बताया है कि पूछताछ से पता चला है कि दोनों नशे के आदी हैं और अपने नशे की पूर्ति के लिए ऐसी चोरी करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने MP MLA कोर्ट में परिवाद दायर किया है, और समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नाम के ट्विटर अकाउंट से लगातार अनगल और अश्लील टिप्पणियों के चलते अखिलेश यादव को राकेश त्रिपाठी ने जिम्मेदार ठहराया है। बाराबंकी के जेतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बा के मोहल्ला उसरी में अरुण पुत्र सहदेव ने ही कोतवाली जेतपुर में लिखित शिकायत पत्र देते हुए बताया कि बीती रात बच्चों की खेल की बात को लेकर विपक्षी सिराज पुत्र गुलाम रसूल रियाज
नहीं अभद्रता शुरू कर दी और जिसे मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई। वहीं बीच बचाव करने पहुंचा उसका भाई वरुण को भी विपक्षी जनों ने जमकर मारा पीटा, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इसकी शिकायत कोतवाली जेतपुर में दी गई, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। पीड़ित आरोपी भाजपा का कार्यकर्ता है। वरुण ने बताया कि सिराज काफी दबंग किस्म का इंसान है और सभासद पद का प्रत्याशी है, आए दिन लोगों से गुंडई करता है। कासगंज के गंज डुंडवारा नगर के मुख्य मार्गों पर पैदल मार्च निकाला गया है। कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से पैदल मार्च निकाला गया और ASP जितेंद्र कुमार दुबे ने नेतृत्व में ही पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया गया। वहीं पैदल मार्च के दौरान CO और इंस्पेक्टर सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। ASP ने पैदल मार्च के दौरान लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की भी अपील की है। श्रावस्ती में कड़ाके की ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सर्द हवाएं और गलन ठंड का सितम ढा रही हैं और DM नेहा प्रकाश ने स्कूलों के खुलने का समय बदल दिया है। बता दें कि आज से सुबह 11 बजे से क्लास 1 से 8 तक के स्कूल खुलेंगे, वो भी 3 बजे तक स्कूलों की छुट्टी कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि बढ़ती ठंड को देखते हुए 31 दिसंबर तक यह आदेश जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।